दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। वैसे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों से बालाओं का पलायन एक आम बात है। आदिवासी बच्चियों का महानगरों में जाना और वहां काम करना, ऐसे मामले भी पुलिस ने दर्ज किए हैं। लेकिन आज महाराजपुर थाने में उस समय एक अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब एक गांव के दो परिवार अलग अलग आकर अपनी बच्चियों का जो नाबालिग हैं उनकी रिपोर्ट दर्ज कराई। और आश्चर्य तो इस बात का भी है कि दोनों परिवारों ने केवल एक ही नाम लिया जिसे हम आरोपी कह सकते हैं। बताया जाता है कि एक गांव जो आदिवासी बाहुल्य और पिछड़ा वर्ग बाहुल्य गांव है जो महाराजपुर थाना के अंतर्गत आता है, उसकी दो बच्चियां स्कूल के बहाने जब गईं, वे वापस घर लौटी ही नहीं। लगभग 10 घंटे इंतजार करने के बाद जब परिवार थक गया, हार गया, तो थाने महाराजपुर पहुंचा। वहां जब एक परिवार रिपोर्ट लिखा रहा था अपनी बच्ची की गुमशुदगी की, उसी समय दूसरा परिवार वहां पहुंच गया अपनी बच्ची जो स्कूली छात्रा है उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने। वहां दोनों परिवारों ने जब एक ही युवक जिसका नाम राहुल बताया जाता है उस पर आरोप लगाया कि उन बच्चियों को लेकर वह कहीं चला गया है। यहाँ पर मालूम पड़ा कि जो लड़का हमारे मामले में दोषी है वही लड़का एक अन्य मामले में, वो भी हमारे परिचित है, उस मामले में भी दोषी है। और एक ही लड़के के द्वारा दोनों नाबालिग लड़कियों के साथ ले जाने की सूचना है और दोनों लड़कियां नाबालिग हैं। और हमारा हम लोग का प्रयास ये है कि दोनों लड़कियां सकुशल दरियाफ्त हो जाएं जिससे किसी को कोई क्षति न पहुंचे। सवाल यह है कि YouTube और विधान की गाइडलाइन के अनुसार ना तो हम उस गांव का नाम बाप को बता सकते हैं, ना उन बच्चियों का फोटो हम बता सकते हैं और ना ही उन परिवार की आइडेंटिटी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में एक अजीबोगरीब बात यह है कि आखिर एक ही लड़के ने दोनों बच्चियों को अपने साथ क्यों ले गया? आखिर उसका इरादा क्या था? क्या उन बच्चियों के साथ कुछ अपशकुन होने वाला है? यह तमाम सवाल अब जांच के दायरे में हैं, लेकिन यह सब पुलिस ही पर्दाफाश कर सकेगी। लेकिन आज के समय में इन बच्चियों के साथ आखिर क्या हो रहा है, यह सामाजिक चिंतन का भी विषय है। धन्यवाद। जय हिंद।